नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी की दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार पर जमकर तंज कसा है। दरअसल बता दें कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जिसे अमेठी की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धूल चटाई है उन्हें आंसू आना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत देश विश्व में सबसे बड़ी पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गई है। इस विषय को सम्मान देने के बजाय जिस प्रकार से टिप्पणियां गांधी ने की है, इससे ऐसा लगता है कि 2024 में भी उन्हें चुनाव का हार का एहसास हो गया है। जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आदरणीय दीदी जी के होने के नाते यह पुल बन पाया है और इसके लिए इस जनपद की ओर से एक एक जनता, यहाँ की एक एक लोग, माताएं बहने, सभी नौजवान भाई आदरणीय दीदी जी को और यहाँ के विधायक जी को बधाई देते हैं। ये पुल हमारे यहाँ जो बना है, ये मुख्य रूप से इस पुल के बन जाने से समझ लीजिए कि दो परिवार एक हुए हैं। कुछ पहले कुछ भाई हैं, एक भाई का घर इस पार है, एक भाई का उस पार। इस पुल के बन जाने से तीन जिला एक हुआ है, एक बारह अपना सुल्तानपुर जिला, अमेठी जिला और अयोध्या जिला। आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि इस दौरान उन्होंने तमाम उपस्थितियों को बताई है, तमाम चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान उन्हें सबसे पहले बसार्थपुर स्थित कृष्णा मैरिज लॉन्च में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित हुए हैं। और साथ ही गोरखपुर के कौड़ीराम बासगांव लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का समापन कार्यक्रम में भी उन्होंने सम्मिलित किए हैं। साथ ही बता दें कि 13 मार्च की सुबह वे 11 बजे रामगढ़ ताल स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क के मुख्य, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी गोरखपुर में 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा और इस दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरी व्यवस्था, विधानसभा क्षेत्र में 4 जोन और साथ ही 7 सेक्टर बनाए गए हैं। इसमें 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 13 पुलिस उपाध्यक्ष और साथ ही बता दें 25 इंस्पेक्टर, 60 SI और साथ ही 140 ASI, 250 कांस्टेबल और 5 कंपनी PSC के अतिरिक्त तमाम तैनात किए जाएंगे। और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी भी रखी जाएगी। और अब खबर मसूरी से है, जहां पर बता दें कि तिब्बत समुदाय के सैकड़ों लोगों ने तिब्बत के राष्ट्र विरोध में 64वीं वर्षगांठ के मौके पर हैप्पी वैली से गांधी चौक तक विशाल महिला रैली निकाली है, जिसमें रैली के दौरान उन्होंने शहीद हुए तिब्बतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 1959 में हमारा देश के सभी तिब्बत वासियों का चाइना ने हमें शहीद करके बहुत मतलब परेशान देश छिना। अब चाइना ये बताती है कि पेंचेन लामा जिंदा है, बट वो ही इज बीन मिसिंग सिंस 1995, अब 1995 से गायब है। वही उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। दरअसल उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने और साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट ओलावृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही बता दें कि मौसम विभाग के निर्देशानुसार विक्रम सिंह ने कहा है कि 13, 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होगी और साथ ही बर्फबारी गिरने की भी संभावना है, जिससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। वही मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसे गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं आगामी 13 मार्च को गैरसैन बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी के चलते सरकार को ठिठुरती ठंड में सत्र आयोजित करना पड़ सकता है। आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग है, तो इनमें कुछ जगहों में जो है हल्की जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या रेनफॉल एक्टिविटी है वो देखने को मिलनी चाहिए। 14 में जो एक्टिविटी है थोड़ा बढ़ेगी,
तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिनका मैंने अभी नाम लिया है, तो उनमें तो आप अनेक जगहों तक में कह सकते हैं रेंट इंडस्ट्री में एक्टिविटी मिलनी चाहिए। वही देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट, बता दें कि H3N2 के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशकों विनीता शाह ने अलर्ट जारी किया है, और इस दौरान उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड और साथ ही बता दें कि ICU वेंटिलेटर और साथ ही अधिक चीजों की व्यवस्था करने की बात कही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा है कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा की सब वेरियंट H3N2 के मरीजों की सघन निगरानी रखी जा रही है। इस इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, और अभी हम फिर निर्देशित करने जा रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को, और थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क वगैरह पहने। वही बुलंदशहर में SSP श्लोक कुमार सिंह द्वारा थाना जहांगीराबाद में वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें बता दें कि SSP ने जहांगीराबाद में वार्षिक भ्रमण के दौरान थाना जहांगीराबाद पहुंचकर गार्ड की सलामी ली है, और साथ ही थाने में नियुक्त कर्मचारियों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को भी सुना है। मऊरानीपुर तहसील के ग्राम ध्यायपुरा में आज उत्तर प्रदेश के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समस्याओं को लेकर किसानों की रणनीति बनाकर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं बता दें कि पंचायत में प्रमुख रूप से गौशाला निर्माण, विद्युत कटौती, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, विधवा पेंशन समेत तमाम समस्याओं को लेकर किसान जमकर ग्रस्त नजर आए। किसानों ने पंचायत में चिंतन मंथन करते हुए बताया है कि कमर तोड़ महंगाई, आपको बता दें कि इस दौरान अन्ना जानवरों से बचने के लिए उन्होंने रबी फसल तैयार की थी, जिसमें चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर आदि फसलों में लगभग तैयार हो गया था, लेकिन अब हम किसान मंडियों में मटर की फसल लेकर पहुंच रहे हैं तो वहां पर मटर का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा, ना ही सरकार ने अभी तक मटर की उपज पर MSP घोषित की है, और अब किसान अपनी मटर की फसल औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। सस्ती मटर बिकने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। वही किसान कांग्रेस की पंचायत में मटर की फसल पर MSP घोषित करने की मांग की है। पंचायत में समस्याओं को लेकर अन्य मुद्दों को भी छाए हुए नजर आए। दादाजी का नाम है? हमारा नाम रतिराम। कहाँ के रहने वाले हो? धारपुरा के। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है कि हमारी जगह ऐसो जूते हैं आज में हमें देनी है या बानिया। अच्छा उनको सही ना अपनी भाव आए। हाँ। और जितनी है सो मातन को मंदा है, सो उनकी लाइट नहीं जा रही है, उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहे ना गौर कर रहे हो। आप कहाँ चाहू था? आप लोग लाइट चाहू था और जगह चाहू ना, हमें ढूंढने को इंतजाम होना चाहिए, कभी जो रात भर सो नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना भड़थना क्षेत्र के अंतर्गत दासीपुर गांव में कर्ज से परेशान किसान दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल कर्ज से परेशान होकर खेत में नीम के पेड़ पर उसकी पत्नी पति ने नीम के पेड़ पर और साथ ही उसकी पत्नी ने घर के कमरों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दोनों पति पत्नी ने इस दौरान आत्महत्या की है, और साथ ही बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधान जी, क्या मामला हो गया गांव में आपके? हमारे गांव में राजू और उनकी पत्नी ने फांसी लगा ली। हम लेट आते ना, हमने जानी कोई जानकारी नहीं हुई। आपको कब पता चला इस बारे में? एक दिन बाहर में थे, एक लड़का सुनील कि भाभी यो देख बहू का यो देख लो भैया राजू जन का कर लो है। देखिए, भड़थना में एक गाँव है दासीपुरा, यहाँ पर संज्ञान में आया है कि राजू सिंह ने खेत में फांसी लगा ली है और उसकी पत्नी ने घर में लगा ली है। दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए गए हैं।
कानपुर के रूरा थाना क्षेत्र के हरामऊ गांव में शनिवार देर रात में एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई है। वहीं हादसे में दंपति और उनके 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। सूचना पहुंची पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया है, लेकिन तब तक परिवार के 5 लोग पूरी तरीके से झुलस चुके थे और गृहस्थी भी पूरी तरीके से जल चुकी थी। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी है, और साथ ही बता दें कि इस दौरान शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, हमारे थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव हरामो में बंजारा डेरा में एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी और कुछ लोग मरने की सूचना मिली थी। तुरंत मेरे मतलब मैं और मेरे सारे जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक यूनिट, फायर ब्रिगेड एंड ऑल्सो डॉग स्क्वाड सब भी मौके पर पहुंच गए और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें सतीश और काजल नामक पति पत्नी और उनके परिवार सहित जलने की मतलब अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन है, और उनकी जो माता जी है वो भी उनको बचाने के चक्कर में थोड़ा जल गई। वही जनपद के बुलंदशहर में थाना क्षेत्र नरोरा में बलिया रोड पर स्थित एक होटल में 2 दरिंदे युवक ने युवती के साथ बेहोश करके सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और वीडियो बनाकर बता दें कि उसे वायरल करने की धमकियां भी देता हुआ नजर आया। दोनों युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म से पहले जमकर मारपीट भी की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, मैं बाइक पे बैठ के चली गई पर ये मुझे मतलब ऐसे सुनसान जगह पे ले गए। दोनों ने पहले मारपीट की, खूब ज़्यादा मारा पीटा, फिर उसके बाद फिर मुझे मतलब कि बाइक पे बिठा के होटल ले गया। उस पर सर फिर दोनों ने बारी बारी 2-3 बार सर मेरे साथ रेप किया और फिर सर मेरी वीडियो फोटो। कौन लोग थे जो रवि और विमल? ये जो वीडियो बनाई थी आपकी, आपको पता थी उस समय जब वीडियो बना रहे थे? सर इतना तो होता कि उन्होंने मेरे फोटो खींचे थे। वही उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में बता दें कि शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है और इस दौरान आग लगने से ट्रांसफार्मर धू धू कर जलता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग पर किसी तरीके से काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटी है। वही अमेठी में निजी स्कूल के टीचर का क्रूर चेहरा सामने आया है। दरअसल यहां पर टीचर पर मासूम की पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है और कक्षा 5 के मासूम ने वीडियो वायरल कर कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आई है। बता दें कि परिजनों ने थाना में तहरीर दी है। वही ये पूरा मामला थाना क्षेत्र के RS पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। और मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने आया हूँ कि मेरा भाई है आयांश द्विवेदी, हरिओम नाम है घर का उसका, उसके स्कूल के एक अध्यापक हैं अमन टंडन, RS पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, वो कक्षा 5 का छात्र है। उसको स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और मारा पीटा गया, जिससे उसका लखनऊ के एक निजी अस्पताल से इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा ये वीडियो संज्ञान में आया है और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को उसकी जाँच सौंपी है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही, जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, मैंने कहा है आज शाम तक दे देने के लिए विभागीय नियमों के आलोक में। वहीं अलीगढ़ में जिला अस्पताल में नशेड़ियों का आतंक देखने को मिला है। यहां दिन भर इमरजेंसी के बाहर नशेड़ियों का जमावड़ा देखने को मिलता है और साथ ही बता दें कि यहां पर नशेड़ियों के हुए मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है और यहां पर नशेड़ी मोबाइल छीनते हुए और साथ ही चोरी करते हुए सामने आते हैं। फरुखाबाद में गंगा नहाने आए 7 बच्चे गंगा के बता दें कि गहरी पानी में डूब गए हैं और साथ ही बता दें कि गहरे पानी में 7 बच्चे के डूबने से हड़कंप समझ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से उन्हें बाहर निकाला। 6 बच्चों को बाहर निकाला जा चुका है और साथ ही अभी तक 1 बच्चे की तलाश लगातार जारी है। कासगंज जनपद के तीर्थ नगरी सोड़ो कस्बे में एक महिला श्रद्धालु का पैर फिसलने के कारण पानी के बता दें कि कुएं में गिर गई और इस दौरान स्थानीय लोगों ने महिला को कुएं से किसी तरीके से बाहर निकाला, अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर चिकित्सकों ने महिला श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया। महिला गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह महिला ज्योति वाइफ ऑफ जयेश बड़ोदरा की रहने वाली है। यहाँ सोरो में दर्शन करने के लिए आई हुई थी, वहाँ अचानक पैर फिसलने से इनका कुएं में गिर पड़ी।
ये अस्पताल अभी अभी लाई गई है, मृत अवस्था में लाई गई। कौन से जनपद की है ये? बड़ौदा, गुजरात। गोरखपुर के शहर के तिवारीपुर इलाके में शनिवार रात बता दें कि संपत्ति और पैसे के लालच में बेटे ने पिता मधुर मुरली गुप्ता की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद से उनके शव को टुकड़े कर सूटकेस में भरकर गली में छिपा दिया और साथ ही आरोपी के भाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के टुकड़े को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साथ ही हत्यारोपी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारी दादी दुकान में बाहर बैठी थी और पापा उनको बैठा के अंदर आ गए 6 बजे करीब, कहें कि आप यहाँ बैठिए हम अंदर जा रहे हैं पूजा करने, तो पूजा करके आएंगे फिर बाहर पूजा करेंगे। ऐसे पापा बाहर आए अंदर आए पूजा करने के लिए, भैया बाहर चलेंगे दुकान में, दुकान में बाहर चले गए। दादी को हमारे चाचा के दुकान पे भेज दिए, कहें कि आप जाइए हम शटर डाउन करके हम जा रहे हैं कहीं। जैसे दादी गई शटर डाउन कर दिए, फिर अंदर पापा और भैया दोनों लोग खाली रह गए। फिर 2-3 घंटा तक शटर डाउन ही रहा, फिर उसने ही देर में अपना कांड कर दिए। और 2-3 घंटे बाद जब शटर खुला तो पापा कहीं नामो निशान नहीं मिला। एक आदमी की हत्या कर दी, उसके छोटे लड़के ने फोन किया कि उसके पिता की लाश शायद उसके बड़े बेटे ने हत्या करके कहीं छुपा दिया है। पुलिस गई, उसके बाद खोजबीन की तो घर के उसके बगल में ही गली में एक सूटकेस में उसकी डेड बॉडी बंद करके रखी हुई थी। और बता दें कि गोरखपुर का ये पूरा मामला जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और साथ ही सूटकेस में उनके शव को भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ था, और साथ ही बता दें कि शव की टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इस व्यक्ति ने। और साथ ही बता दें कि ये जो तिवारीपुर इलाके के सूरजकुंड आवास विकास कॉलोनी के मधुर मुरली गुप्ता के परिवार के साथ रहते थे इन दिनों। बता दें कि संपत्ति को लेकर बेटे से विवाद चल रहा था और बताया जा रहा था कि इसी के बेटे प्रिंस कुमार गुप्ता ने पिता को अकेला पाकर उन्हें उन पर पहले हमला किया और उसके बाद से उनको मौत के घाट उतार दिया और साथ ही उनके धर और सिर को अलग करके कई टुकड़े काटे। और इस दौरान उनके मृतक के जो छोटे लड़के हैं संतोष गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही बता दें कि इस बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और पिता के शव के कई टुकड़े करके उन्हें सूटकेस में बंद करके ठिकाने लगाने की लगातार कोशिश में था, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मार शांकुबड़ी के गांव बता दें कि नगल माफी के चौधरी चरण सिंह ग्राम विकास संस्था द्वारा संचालित पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा कॉमरेड गुलाब सिंह के फार्म हाउस में संपत्ति के संयोजक डॉक्टर अशोक मलिक और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत जामुन और साथ ही फलदार पेड़ लगाए गए हैं। समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा है कि पर्यावरण बचाओ जमीन बचाओ, पेड़ लगाना जीवन देने के समान है, हम सब मिलजुल कर पेड़ जरूर लगाने चाहिए। इस अवसर पर सुनीता गुप्ता डॉक्टर आयुष गुप्ता समेत तमाम लोग वहाँ पर मौजूद दिखे हैं। नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं संयोजक हूँ, पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ और आज यहाँ हम नागल माफी में शाकुंभरी माँ के दरबार में यहाँ पौधारोपण करने आए हैं। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के अभियान में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बगल में स्टोन क्रेशर हैं, बहुत से पेड़ खराब हो रहे हैं और उनके ऊपर धूल किण के कीटाणु पड़े पड़ जाते हैं धूल पर। यहाँ के बागवानी के जो मालिक है जगमाल ने बताया है कि करीब 20% फल बचता है 110 बीघा जमीन का जो बाग में आपका है, तो बाग है उसका। उन्होंने बताया कि हमने शिकायतें की कई बार विभाग को, लेकिन प्रदूषण विभाग और उद्यान विभाग की मिली भगत से यह तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। और ये पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति जो है अब इस पर काम कर रही है और हमारा जब तक संघर्ष रहेगा जब तक हम इस पर काम करते हैं जब तक ये जो है इस पर ये इस पर आपका पूरी तरीके से आपका प्रदूषण रहित नहीं होता। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।